नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे टमाटर है स्वास्थ्यवर्धक के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। टमाटर जितना देखने में अच्छी लगता है उतनी ही वह खाने में स्वादिष्ट भी है और स्वास्थ्यवर्धक भी। तभी तो टमाटर का उपयोग सब्जी के रूप में करने साथ साथ सलाद और चटनी के रूप में बहुतायम में किया जाता है। आगे की स्लाइड्स पर क्लिक करें। टमाटर में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, विटामिन सी पाए जाते हैं। एसिडिटी की शिकायत होने पर टमाटरों की खुराक बढ़ाने से यह शिकायत दूर हो जाती है। टमाटर काटकर चेहरे पर मलें, सूखने पर धो लें। टमाटर ब्लीच का काम करता है जिससे रंग निखरता है। ड्राई स्किन वाले पैक धोने के बाद मॉइस्चराइजर लगाएं। हेल्दी त्वचा, टमाटर से आपकी त्वचा को मुलायम बनाने के साथ साथ लाइनों झुर्रियों का कम करता है। टमाटर में संतृप्त वसा सोडियम स्वाभाविक रूप से कम होता है। टमाटर थियामिन, नियासिन, फॉस्फोरस और तांबा, नियासिन, विटामिन B6, मैग्नीशियम प्रदान करता है, जो सभी अच्छी स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हड्डी मजबूत, टमाटर विटामिन के और कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जो हड्डियां मजबूत करने में मदद करते हैं। चोट के बाद कैल्शियम और विटामिन के अस्थियों के ऊतकों की मरम्मत में सहायता करते हैं। अगर आप बीमार है और आपकी सेहत में सुधार हो रहा है तो टमाटर सूप बेस्ट है। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर सी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, किया कि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।